हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग IBCIU को 2014 सेकेंड पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2017 का पेपर डिस्कस किया था, उसके बाद 2014 में हुआ था। तो 2014 का जो पेपर है उसमें GS और GA यानी कि टोटल मिलाकर करंट अफेयर, साइंस और GS सब कुछ मिलाकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे। तो इसको हम तीन पार्ट में करेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो आज हमारा पार्ट वन स्टार्ट होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन का ही हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 25 क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, ताकि अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, करक्यूमा लॉन्गा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच स्पाइस। तो जैसे सबको पता है कि बॉटनिकल नेम जो होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं, बॉटनी से चाहे जूलॉजी कुछ भी ले लिए, तो साइंटिफिक नेम काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसमें स्पाइस यानी कि मसालों से साइंटिफिक नेम पूछा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन है क्यूमिन, क्लोव्स, टर्मरिक, कोरिएंडर। तो क्यूमिन जो होती है उसको हिंदी में कहते हैं ज़ीरा। देखिए, हम इसको इंग्लिश में, क्योंकि हमने हिंदी टाइपिंग नहीं की है, इसके हम थोड़ा सा हिंदी में भी कुछ टर्म्स को बताएंगे, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो क्यूमिन होता है ज़ीरा, क्लोव्स होता है लौंग, टर्मरिक होती है हल्दी, कोरिएंडर होता है धनिया। ठीक है, तो करक्यूमा लॉन्गा पूछा है किसका साइंटिफिक नेम है, किस स्पाइस का। तो हमारा राइट आंसर है टर्मरिक। अब हम और पढ़ लेते हैं, औरों के जान लेते हैं नाम। क्यूमिन जो होता है यानी कि ज़ीरा का साइंटिफिक नेम होता है क्यूमिनम साइमिनम, क्लोव्स लॉन्ग का होता है साइज़ाइजियम एरोमेटिकम, और कोरिएंडर का होता है कोरिएंड्रम सेटाइवम। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, कुछ स्पाइसेस के साइंटिफिक नेम पूछे गए हैं, तो उनमें से ये एक पूछा गया है टर्मरिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोन्स फाउंड इन द हैंड्स एंड फीट एज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ बोन्स इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बींग इज नियरली इक्वल टू। देखिए, ये कह रहा है कि हाथ और पैरों में जो हड्डियाँ होती हैं टोटल, उनका वो कितनी परसेंटेज होती हैं किससे, पूरा एडल्ट ह्यूमन बॉडी की जो हड्डियाँ होती हैं टोटल नंबर ऑफ बोन्स। तो सबको पता है कि जो एडल्ट ह्यूमन बींग होता है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं वो होती हैं 206 होती हैं। तो अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसके लिए हमें हैंड्स और फीट की जो टोटल बोन्स होंगी उसको कैलकुलेट करना होगा। तो वो किस तरह से करेंगे, तो ये हमने यहाँ पर एक ब्लॉग बनाया है जिसमें हमने समझाया है। देखिए, नंबर ऑफ बोन्स जो हैंड में तीन टाइप की बोन होती हैं, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। देखिए, फेलेंजेस सबको पता है कि जो आगे की उंगलियां, जिनको उंगलियां कहते हैं, वो जो बोन्स होती हैं वो फेलेंजेस हो गई, और जस्ट उनसे पीछे जो फाइव आती हैं, मतलब फाइव समझ में आती हैं, वो होती हैं मेटाकार्पल्स, और उससे पीछे जो हमारी रिस्ट के पास होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्पल्स। तो एट कार्पल्स होती हैं, फाइव मेटाकार्पल्स होती हैं, 14 फेलेंजेस। 14 कैसे, अब आप लोग सोचोगे, पांच उंगलियां होती हैं और देखने में तो लगता है कि तीन तीन बोन है हर उंगली में, तो 15 होना चाहिए, लेकिन जो अंगूठा हमारा होता है उसमें दो होती हैं, इसलिए 14 हो गया। तो इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएंगी 27। ये हमारा आया एक हाथ का, ठीक है, वन हैंड, लेकिन हमें टोटल निकालना है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि एक हैंड या एक पैर, तो हमें टोटल निकालना है। तो मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54, यानी कि हाथ में जो हड्डियाँ होंगी वो टोटल 54 होंगी। अब पैर का निकालते हैं, फीट का निकालते हैं। तो जैसे कार्पल्स होती हैं हाथ में, ऐसे पैर में टार्सल्स होती हैं, बाकी मेटा टार्सल्स और फेलेंजेस, मतलब टार्सल्स में मेटा लग जाएगा, उधर कार्पल्स में मेटा लग जाएगा, और फेलेंजेस तो होती हैं कॉमन। तो बस ये याद रखिएगा, पैर की बात आएगी फीट की तो टार्सल्स, और हैंड की बात आएगी तो कार्पल्स, और टार्सल्स जो होती है वो कार्पल्स से एक कम होती है, यानी कि 7 टार्सल होती हैं और 5 मेटाटार्सल, 14 फेलेंजेस, बाकी सब सेम है। तो टोटल एक कम आ जाएगा, यानी कि 26 हो जाएंगी। अब दोनों पैर के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 52 हो जाएगा, यानी कि टोटल हैंड एंड फीट इनको ऐड करेंगे 54 और 52 को, तो आ जाएगा 106 बोन्स, यानी कि मेरे हाथ और पैरों में टोटल जो हड्डियाँ होती हैं वो 106 होती हैं। तो अगर इनकी परसेंटेज निकालना होगी तो हम कैसे निकालेंगे, 106 डिवाइडेड बाय 206, क्योंकि टोटल 206 होती हैं, इन टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो अप्रॉक्स ये आता है 51% आता है। तो हमारा इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, 50% वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी कि हमारा राइट आंसर इज़ डी, 50%।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोपियंस आर बिलीव्ड टू हैव ब्रॉट पोटैटोज टू इंडिया इन 18th सेंचुरी विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड इज बिलीव टू बी द ओरिजिन ऑफ पोटैटो कल्टिवेशन। देखिए यूरोपियंस ऐसा माना जाता है कि यूरोपियंस जो होते हैं वो इंडिया में पोटैटोज जो लाए वो 18th सेंचुरी में। तो यूरोपियंस लाए तो कौन से वर्ल्ड के किस रीजन में पोटैटो कल्टिवेशन की ओरिजिन मानी जाती है? तो ईस्टर्न घाना जो उन्होंने ऑप्शंस लिए हैं वो हैं ईस्टर्न घाना, सदर्न पेरू, पुर्तगाल और वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ की लोकेशन देखिए नॉर्थ अमेरिका जैसे होता है, यहाँ पर ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर जो बहुत सारे आइलैंड्स नहीं होते हैं, क्यूबा और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो पूरा जो ग्रुप होता है उसको वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। और पुर्तगाल सबको पता है, और सदर्न पेरू जो होता है वो साउथ अमेरिका में, जो इस तरह से ये होता है, तो जो इसका ये वाला पोर्शन होता है ये पेरू वाला पोर्शन होता है, तो इसके सदर्न पेरू में जो होता है ये हमारा राइट आंसर है। यहीं पे पोटैटो कल्टिवेशन की ओरिजिन मानी जाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओयम याकन इज जनरली कंसिडर्ड द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया ऑन अर्थ, विच कंट्री ओयम याकन इज लोकेटेड इन। ये कह रहे हैं कि जो कोल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया यानी कि जो रहने वाला एरिया होता है अर्थ पर सबसे ठंडा, वो ओयम याकन है, ये किस कंट्री से बिलोंग करता है, कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं मंगोलिया, रशिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड। ऐसे तो सोचने में आता है ग्रीनलैंड होगा क्योंकि वो बहुत ऊपर है, बहुत ठंडा है, लेकिन इसका राइट आंसर है रशिया। अब ये कैसे, रशिया कैसे, क्या होता है कि यहाँ पर दो वैलीज़ हैं, तो ये इस तरह से इसकी लोकेशन है कुछ कि यहाँ पे जो विंड आती है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, तो जब कोल्ड विंड यहाँ पे ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी, यहीं पे सर्कुलेट करती रहेगी, तो ये एरिया बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और इसकी इस वजह से ये साल भर यानी कि पूरे 1 ईयर तक ये पूरा ठंडा रहता है। तो ये हमारा कहाँ पर है, रशिया में है। इसी तरह अगर इसका ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया जाए हॉटेस्ट इनहेबिटेड एरिया ऑन अर्थ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इथियोपिया। इथियोपिया कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, जो हॉर्न बना हुआ है ना, जो राइट साइड में हॉर्न बना है वहाँ पर है इथियोपिया, वहाँ पर सबसे हॉटेस्ट जो होता है इनहेबिटेड एरिया होता है। तो नेक्स्ट हमारा राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो नोन एज द थर्ड आई। ये कह रहे हैं कि कौन सी ग्लैंड हमारी ह्यूमन बॉडी की जिसको कहा जाता है थर्ड आई, कौन सी ग्लैंड होती है? तो देखिए ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी, जो होती हैं ये हार्मोन सेक्रेट करती हैं, और ये जो पूरा सिस्टम होता है ना, हार्मोनल सिस्टम जो होता है, ये दो उसमें आता है, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स आती हैं उसमें ये सब आती हैं, पीनियल पिट्यूटरी आती हैं, और जो एक्सोक्राइन होती हैं उसमें टीयर आती हैं, मतलब कि आंसू आंसू ये सब आती है, स्वेट ग्लैंड्स आती हैं, पसीना जिससे आता है, तो ये वाली एक्सोक्राइन आती। अब यहाँ पर बात है कि जो इंटरनल जो होती है थर्ड आई किसे कहा जाता है, तो ये एंडोक्राइन की कौन सी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड। अब इसकी लोकेशन कहाँ होती है ये समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे ये थोड़ा सा हमारा ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर एक और फिर होता है, फिर यहाँ पर एक इस तरह से ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप का, जिसे हम कहते हैं थैलमस, इसे हम कहते हैं थैलमस। और इसके इस साइड में एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस हो गया, ये थैलमस हो गया, और इसके हाइपोथैलमस के पास में यहाँ पर एक छोटी सी ग्लैंड निकली होती है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और इस थैलमस के इस साइड में एक छोटी सी ग्लैंड होती है, पी शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं पीनियल बॉडी। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन समझ में आ गई होगी, कुछ इस तरह से होती है, उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से होता है, और ये हमारा इस तरह से होता है। तो ये हमारा ब्रेन का थोड़ा आइडिया है स्ट्रक्चर, और यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर छोटी सी होती है तो काफ़ी डेप्थ में होती है, सेंटर ब्रेन के सेंटर में काफ़ी डीप में जाकर होती है पीनियल बॉडी। अच्छा, अब बात आती है कि इसे थर्ड आई क्यों कहते हैं, तीसरी आँख क्यों कहा जाता है। देखिए ये जो हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट करती है उसका नाम होता है मेलाटोनिन हार्मोन। और ये कब सिक्रीट होता है, देखिए ये डार्क होता है, जब अंधेरा होता है तो ये इसका सेक्रेशन बढ़ जाता है, और सुबह जैसे जैसे रोशनी होती है, जैसे जैसे लाइट ज़्यादा होती है तो इसका सेक्रेशन कम होता जाता है, तो इसको इंटरनल क्लॉक कहा जाता है। कैसे, अगर हम अलार्म मान लिए ना भी लगाएं तो भी क्या होता है, जैसे सुबह होती है ऑटोमेटिकली हमारी आँख खुल जाती है, वो किस वजह से होती है, ये हार्मोन सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को कि सुबह हो गई है, मेलाटोनिन सेक्रेशन कम हो गया है, उठ जाओ।
ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया। और भी काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं, वो हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, तो आपने ये थोड़ा सा शॉर्ट में इसको समझ लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, आंसर हो गया पीनियल बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं, ल्यूकीमिया इज अ ग्रुप ऑफ कैंसर दैट यूजुअली बिगिंस इन द बोन मैरो एंड रिजल्ट्स इन हाई नंबर्स ऑफ विच एबनॉर्मल सेल। ये कह रहे हैं कि ल्यूकीमिया जो होता है वो एक कैंसर होता है, कैंसर जो होता है तो ये बोन मैरो से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होती हैं, जो एबनॉर्मल सेल्स, हाई नंबर ऑफ विच एबनॉर्मल सेल, देखिए इसमें क्या होता है कि बोन मैरो में सेल्स बनती हैं और वो सेल्स जो होती हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, बहुत ही क्यूमुलेटिव प्रोसेस होने लगती है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होने लगती हैं उनका प्रोडक्शन, तो वो बहुत सारी एबनॉर्मल सेल्स बनाने लगती हैं। तो ये जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं ये कौन सी होती हैं ये पूछ रहे हैं, तो ये होती हैं WBCs। अब समझिए, हमारे ब्लड में ब्लड में देखिए दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्लड सेल्स, एक होता है ब्लड सेल्स और एक होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा, ये दो होते हैं। तो ब्लड सेल्स में तीन टाइप की होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs, रेड ब्लड सेल्स RBCs और प्लेटलेट्स। तो देखिए प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे इसके बारे में। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, RBCs को इरिथ्रियोसाइट्स कहते हैं और WBCs को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। जहाँ पर ल्यूक वर्ड आएगा वहाँ पर समझ लीजिए वाइट कलर से कुछ है, तो ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं इन्हें। तो क्या होता है कि इनका फॉर्मेशन, WBCs का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, और इनका काम क्या होता है कि जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा हमारी बॉडी में, जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा, ये उसे पहुंच जाएंगी, उसे लड़ाई करने, उसे खाने, ख़त्म करने पहुंच जाएंगी। तो ये उसे ख़त्म करने जाएंगी और इनकी लाइफ स्पैन क्या होता है, कुछ घंटों से लेकर 3 दिन तक, 2 या 3 दिन तक। तो इनका लाइफ स्पैन यानी कि ये बहुत जल्दी जल्दी बनती हैं और ख़त्म होती हैं, बनती हैं ख़त्म होती हैं। क्या होता है जब ये ल्यूकीमिया में क्या हो जाता है कि बोन मैरो में ये जब इनका फॉर्मेशन होता है तो ये इतना ज़्यादा बनने लगती हैं, इतना ज़्यादा इनका प्रोडक्शन हो जाता है कि इनके कंपेयर में RBCs बहुत कम रह जाती हैं, WBCs इतनी, और जबकि इनका बहुत कम अमाउंट होता है हमारे ब्लड में। तो जब RBCs कम हो जाएंगे और ये बढ़ती चली जा रही है, तो RBCs के कम होने के वजह से एनीमिया हो जाता है, ये याद रखिएगा, एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो जिस वजह से हमारी डेथ हो जाती है, मतलब उस इंसान की डेथ हो जाती है एनीमिया होने से। तो ये समझ में आ गया होगा, तो ये इसका आंसर, राइट आंसर इज ए, वाइट ब्लड सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक टू प्लेसेस ए एंड बी रिकॉर्ड इट्स इंटेंसिटी ऑन रिक्टर स्केल एज 4 and 6 रिस्पेक्टिवली इन एब्सोल्यूट टर्म्स, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक एट ए टू दैट ऑफ बी। ये रेशियो में पूछना चाह रहे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म्स में इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा अगर ए बी देखा जाए तो। तो देखिए रिक्टर स्केल ये कहता है कि जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 आ रहा है, मेजरमेंट करने पे 4 आ रहा है इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पे, तो जो 4 वाला होगा ये 3 के कंपेयर में 10 times ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 10 times, तो 10 times ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हम इसके एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें, इसके रेशियो की, तो 4 और 6 यहाँ पे दिया है। तो देखिए, तो एक बढ़ने पर 10 times ज़्यादा, अगर 2 बढ़ेगा यानी कि अगर ये 5 मेजर करें तो 3 के लिए कितना ज़्यादा हो जाएगा, ये 100 times हो जाएगा 3 के लिए, तो 3 के लिए ये 100 times। तो इसी तरह ये जो 6 और 4 दिया है तो कितना हो जाएगा, एक पूछा है तो 1:100 हो जाएगा हमारे रेशियो। क्यों? क्योंकि ये एक बढ़ने पे 10 times हो रहा है, तो 2 बढ़ने पे कितना हो जाएगा, 100 times ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर इज डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ कोल्ड डे इन जनवरी द टेम्परेचर एट अ प्लेस फेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट एंड वॉज रिकॉर्डेड एज -40°C ऑन फॉरेनहाइट स्केल द सेम टेम्परेचर वुड बी। देखिए सिंपली इसको लंबा चौड़ा फालतू बनाया है, सिंपली क्वेश्चन ये है कि एक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है जो सेंटीग्रेड में है, इसकी वैल्यू है -40°। अब ये पूछ रहे हैं कि उसी यही टेम्परेचर को अगर हम फॉरेनहाइट स्केल में देखें तो कितना इसकी वैल्यू होगी डिग्री एफ में। तो सीधा सा हम लोग को पता है C/5 = इसका राइट वो फॉर्मूला होता है C/5 = F-32/9।
और आगे आर वाला भी होता है तो उसको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पर सी और एफ की ज़रूरत है, इसलिए हमने ये वाला लिया है, सी बाई फाइव एफ माइनस 32 बाई 9। तो सिंपल सा सी की वैल्यू दी है -40 और एफ हमें निकालना है। सीधा सा रख दिया, फाइव फाइव एट सा 48 आ गया, और इधर 9 को ऊपर लिया मल्टीप्लाई करा दिया तो 72 बन गया। -72 इसको इधर ले आए, -32 को +32, तो हमारा फॉरन हाइट कितना आ गया, माइनस का 40 डिग्री फॉरन हाइट। तो हमारा राइट आंसर हो गया, आंसर इज सी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, देखिए आर पढ़ा, एक इक्वेशन पढ़ी हम लोगों ने, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर आर जो होता है उससे कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये पी प्रेशर वी वॉल्यूम टी टेम्परेचर है, इनके बीच का रिलेशन होता है ये। और तो ये कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है, यानी कि किस गैसेस की प्रॉपर्टी है, ये आइडियल गैस की प्रॉपर्टी है। तो हमारा राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच प्लेस वॉज द फर्स्ट साइंस कांग्रेस हेल्ड इन जनवरी 1914। देखिए फर्स्ट साइंस कांग्रेस इन्होंने पूछा है जो कहाँ हुई थी, 1914 में हुई थी पर कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर इज कोलकाता, यानी कि ए, राइट आंसर इज ए। ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है। अब है द क्लास ऑफ एलिमेंट्री, देखिए इस वाले पेपर में हमने देखा, थोड़ा सा ध्यान दिया तो हमें समझ में आया कि इसमें जो डिफेंस वाला रिसर्च वाला पोर्शन होता है, डिफेंस वाला पोर्शन होता है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लिए गए हैं, और जो मतलब ओल्ड जो फेमस साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनसे काफ़ी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इनसे पढ़ना है। और मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जैसे पिछले वाले में कौन से आते, मिडिवल से पूछे गए थे, लेकिन इस बार 2017 में मिडिवल से, 2014 में मॉडर्न से बहुत क्वेश्चन आए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो उनको अभी देखते हैं। द क्लास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोसॉन्स वॉज नेम्ड आफ्टर सत्येंद्रनाथ बोस। देखिए एक पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल है बोसॉन, तो इसका नाम किस किन साइंटिस्ट के ऊपर रखा गया था, सत्येंद्रनाथ बोस पे। और ये क्या है, इंडियन फिजिसिस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकटा एज अ क्लासमेट ऑफ सत्येंद्रनाथ बोस। देखिए ये कह रहे हैं कि सत्येंद्रनाथ बोस इन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकटा से ग्रेजुएट किया था, तो कौन से इंडियन साइंटिस्ट थे जो इनके क्लासमेट थे। तो हमारा इन सारे ऑप्शंस में हमारा राइट आंसर क्या है, मेघनाथ साहा, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है टू विच प्लेस आर्यभट्ट द ग्रेट मैथमेटिशियन वेंट फॉर एडवांस्ड स्टडीज। देखिए आर तो ये पूछा गया है कि ये एडवांस स्टडीज के लिए कहाँ गए थे, तो ये बिहार गए थे पाटलिपुत्र में, तो इसका राइट आंसर इज पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रैक्टिकल डिजाइन फॉर एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल A-9-10 वॉज अंडरटेकन इन नाजी जर्मनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू में एक इस दौरान, नाजी जर्मनी के दौरान डेवलप की गई थी ये वाली ICBM, इट वॉज इंटेंटेड फॉर यूज इन बॉम्बिंग। तो इस लंदन एंड कोस्टल सिटीज ऑफ ब्रिटेन, नॉर्दर्न सिटीज ऑफ फ्रांस इंक्लूडिंग वेनिस, न्यूयॉर्क एंड अदर, इसका राइट आंसर इज न्यूयॉर्क एंड अदर अमेरिकन सिटीज होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। ओके तो ये ICBM, देखिए मिसाइल डिफेंस से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन किए गए, ये एक वर्ल्ड वॉर का क्वेश्चन है। होमी जहांगीर भाभा द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम वॉज ऑल्सो द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट। सबको बताया कि होमी जहांगीर भाभा फादर हैं किसके, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के, तो और ये किसके फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, किस इंस्टीट्यूट के। तो इसका राइट आंसर देखिए साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, ये इसके हो जाएंगे मेघनाथ साहा। और IIT मुंबई, इसको सबको पता है कि जवाहरलाल नेहरू इसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे। और हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसके थे जमशेद जी टाटा। तो हमारा ये बच्चा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसके कौन थे, होमी जहांगीर बाबा, यानी कि राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट हु हेडेड द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट लॉन्च बाई इसरो इन 19। इसरो ने एक लॉन्च किया था SLV 1970 में, तो वो किसको इसने लीड किया था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इसका राइट आंसर है, आंसर इज सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज भास्कर ऑल्सो नोन एज भास्कराचार्य और भास्कर II एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर वॉज बॉर्न। ये कहाँ इन पैदा हुए थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, कांचीपुरम, थंजावुर, बीजापुर, मदुरई। तो इनका जन्म हुआ था, भास्कर मैथमेटिशियन का जन्म हुआ था बीजापुर में, कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक के बीजापुर में हुआ था। एक हैं भास्कर 1, उनसे कन्फ्यूज मत होइएगा, जो मैथमेटिशियन है वो हैं भास्कर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रह्मोस अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, एक डिफेंस का हम एक लाएंगे पूरा, तो कुछ पार्ट का लाएंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, तो उससे जो पहले हम प्रीवियस पेपर कर लेंगे जितने जिन जिन टॉपिक से होगा, तो उनके हम सेपरेट वीडियोस लाएंगे, इसको डिटेल में थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट तो होंगे नहीं, तो इससे रिलेटेड होंगे क्वेश्चन रिपीट। तो काफ़ी डिफेंस भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं, करंट में पूछे जाते हैं। द ब्रह्मोस अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जॉइंट वेंचर बिटवीन विच फॉरिन कंट्री एंड इंडियन एजेंसी। देखिए, काफ़ी ज़्यादा इसरो की जॉइंट वेंचर चलते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, तो ये जो ब्रह्मोस वाला था ये किसके साथ था इसका, इस DRDO और रशिया, रशिया और DRDO के बीच था, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा। और हमारा हमारा हुआ था ये इसरो और USA के साथ एक हुआ था जॉइंट वेंचर जिसका नाम था निसार, NISAR, निसार हुआ था जॉइंट वेंचर, ये USA इसरो के साथ हुआ था। और रशिया इसरो के साथ तो काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, सबको पता है रशिया और इसरो के साथ काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं। चंद्रयान 2 है और भी कई सारे हैं, तो उनको एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर ब्रह्मोस का आंसर है, रशिया और DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल नेम ऑफ हो ची मिन द प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वॉज ज्यूयन वॉन तान विच ही लेटर चेंज टू हो ची मिन बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट। बनने से पहले उन्होंने नाम चेंज कर लिया। द लिटरल मीनिंग ऑफ हो ची मिन इज, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, ही हु लीड्स, ही हु फाइट्स, ही हु एनलाइटन्स, ही हु प्रोटेक्ट्स। इसका लिटरल मीनिंग है ही हु इनलाइटन्स, ये उस टाइम करेंट का क्वेश्चन है इसलिए पूछा गया है। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर महात्मा गांधी ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन। देखिए क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी जो थे, इनका फर्स्ट सत्याग्रह जो पूछा जाता है, फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा था, तो चंपारण था, बिहार में एक जगह है चंपारण, वो इनका फर्स्ट सत्याग्रह था। और ये कब हुआ था, 1917 में, 1917 में ट्रैवल इन्होंने ये चंपारण आए थे, तो इसका राइट आंसर इज 1917 हो गया। अब थोड़ा इसके बारे में बताते हैं, पीजेंट फार्मर्स मतलब इनका स्ट्रगल हुआ था ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, ये क्या था। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे कि वहाँ पर 1/320 उनकी जो लैंड थी उसका 3 पार्ट इंडिगो करने को कहते थे, मतलब इंडिगो कल्टीवेशन करने को कहते थे, यानी कि नील की खेती करने को कहते थे। उस पर वो कुछ और फूड ग्रेन्स वो सब नहीं उगा सकते थे, उनको इंडिगो ही करनी होती थी, तो ये कहते थे। और उस पर टैक्स लेते थे खूब ज़्यादा, और बल्कि उस और भी इलीगल टैक्स जो बहुत दूसरे टाइप के होते हैं वो सब लेते थे। तो क्या किया, जो महात्मा गांधी जी थे इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया चंपारण में, और ये सक्सेसफुल बना। इन्होंने क्या किया, पूरा इंक्वायरी कराई, इन्वेस्टिगेट कराया पूरा, कहाँ प्रॉब्लम हो रही, क्या हो रहा है, तो पता चला कि जो उसका जो टैक्स लेता था, जो हेड था, उसने 25% जो था इलीगल टैक्स वो वापस किया था लोगों को। तो ये सक्सेसफुल रहा था, फर्स्ट सत्याग्रह था ये, 1917 में आए थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, विद विच ऑब्जेक्टिव सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस। सी आर दास का पूरा नाम है चितरंजन दास। तो इन्होंने क्या की थी, एक ये तो पता है कि सी आर दास मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी फॉर्म की थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एम क्या था, पढ़ते हैं। स्पेयर हेड द मास स्ट्रगल, फोर्ज हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू द प्रोविंशियल काउंसिल, और ऑर्गेनाइज लेजिस्लेटिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉयल अटैक। तो ये सब नहीं है इनका, देखिए मेन मकसद था कि कांग्रेस जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे, सीधा सा इनका ये मकसद था कि कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए प्रोविंशियल काउंसिल्स में के इलेक्शंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट चलते हैं, द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन, देखिए डिड नॉट पार्टिसिपेट, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा ना गलत हो जाएगा। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो हुआ था, ये हुआ था इनका 1930 में हुआ था। तो इसमें मतलब पहले 1929 में जो लाहौर हुआ था, लाहौर सेशन हुआ था, उसमें बात हुई थी कि ये स्टार्ट करना चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इन्होंने स्टार्ट किया था सॉल्ट लॉ तोड़कर जो इन्होंने किया था, तो फर्स्ट वो था इनका।
तो उसमें बात हुई थी, लाहौर सेशन में बात हुई थी, और फिर ये इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसमें कौन से रीजन जो था उसने पार्टिसिपेट किया था? नागपुर रीजन, नागपुर रीजन, और कोई भी रीजन जो था वो उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। मद्रास रीजन, सूरत रीजन, कैलकाटा रीजन, सिर्फ नागपुर रीजन ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा क्यों था? देखिए, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो था वो गांधी जी नहीं चाहते थे कि वो शामिल हो इसमें। तो वो क्यों, ऐसा क्यों था ये हम डिटेल में जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो थे वो आगे आए थे, इंडस्ट्रियल वर्कर, उन्होंने नागपुर, नागपुर रीजन के थे, उन्होंने उसको इस मूवमेंट में आए थे, और उन्होंने अपने तरीके से थोड़ा सा किया था। उन्होंने क्या किया था, कपड़े जलाए थे, फॉरेन क्लोथ्स जलाए थे गांधी जी ने, और ये बताया था कि जो फॉरेन क्लोथ्स हैं वो नहीं यूज़ करने हैं, और जो इंडियन क्लोथ्स होते थे, इंडियन गुड्स होते थे, उनकी सेल को प्रमोट किया था, उनको प्रमोट किया था कि उन्हें यूज़ करना चाहिए, और फॉरेन क्लोथ्स को जलाया था। तो इस तरह से उन्होंने बहिष्कार किया था जैसे कहते हैं। तो और जो इंडस्ट्रियल वर्कर क्लास, ये जो थे इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे, इन्होंने किस तरह से किया था, इन्होंने वेजेस के अगेंस्ट खड़े हुए थे, रिवोल्ट किया था कि जो इनको मजदूरी मिलती थी उसके अगेंस्ट, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे काफ़ी कम काम देते थे, काम ज़्यादा कराते थे, देते बहुत कम थे सैलरी, तो उसके अगेंस्ट वो खड़े हुए थे इनके साथ। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में नागपुर रीजन जो था वो उसने पार्टिसिपेट किया था, बाकी ने नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्लैश्ड विद महात्मा गांधी एट द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिमांडिंग। देखिए, जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो टोटल 3 हुई थी। तो हमारी जो फर्स्ट हुई थी वो हुई थी 1930 में, और इसमें मेन जो थे वो ब्रिटिश कौन था, रामसे मैकडोनल्ड थे, और ये लंदन में हुई थी। सबको पता है कि ये लंदन में हुई थी। और फर्स्ट वाली जो राउंड टेबल थी, इसमें कुछ देखिए, राउंड टेबल में कुछ पॉइंट्स हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, वो बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम बता देते हैं कि फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फर्स्ट वाली में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये याद रखिएगा। और सेकेंड वाली में जो 1931 में, उसी के नेक्स्ट ईयर 1930 में स्टार्ट हुई थी फर्स्ट, और सेकेंड वाली जो हुई थी वो 1931 में हुई थी, ये भी लंदन में हुई थी, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी इसमें आए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ये याद रखिएगा। फिर थर्ड राउंड टेबल जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, वो 1932 में हुई थी। अच्छा, क्या हुआ था कि ये अनसक्सेसफुल रही थी, क्यों? क्योंकि इसका मेन मकसद जो था, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद था साइमन रिवोल्ट जो आई थी उस पर डिस्कशन करना। तो वो जो रिपोर्ट थी उसको तो हम बाद में डिटेल में बताएंगे, पूरा गवर्नेंस से रिलेटेड थी कि वो किस तरह से काम करना है। तो उसमें क्या हुआ था कि बी आर अम्बेडकर से कैसे क्लैश हुआ था गांधी जी का, वो इसलिए हुआ था क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे दलित का, दलित अनटचेबल्स थे, माइनॉरिटी थे, ठीक है, इनका सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे। महात्मा गांधी जी ये कहते थे, वो ये चाहते थे कि दलित हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी माइनॉरिटी क्लास हो, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होना चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने बी आर अम्बेडकर के इस प्रपोजल को रिफ्यूज़ कर दिया था, और उन्होंने क्या, मतलब कांग्रेस ने क्या किया था, उसको बॉयकॉट कर दिया था। और जो थर्ड वाली राउंड टेबल थी उसमें भी कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था, तो ये पूरा अनसक्सेसफुल रहा था कॉन्फ्रेंस। तो इसमें क्या हुआ था कि थोड़ा सा हम बताएंगे कि 1930 में ये हुआ था, और फर्स्ट हुई थी, और 1931 में पहले गांधी इरविन हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और फिर हमारा, क्योंकि ये सीक्वेंस आता है लगाने को, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और फिर हमारा सेकेंड राउंड टेबल हुआ था। इसी तरह थर्ड वाली राउंड टेबल में 1932 में पहले पूना पैक्ट हुआ था बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी जी के बीच, और फिर थर्ड राउंड टेबल हुई थी। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखिएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्लैश क्यों हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित की डिमांड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर जी, जो महात्मा गांधी ने रिफ्यूज़ कर दी थी। तो हमारा राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीन ऑफ रेसलिंग मैच इन बॉम्बे हैंगिंग गार्डन्स वॉज शॉट बाई हरिश्चंद भटवादेकर एंड इट बिकेम इंडियाज फर्स्ट मूवी, इट वॉज शॉट इन द ईयर। देखिए, सबको पता है कि जो फर्स्ट साइलेंट मूवी है वो है राजा हरिश्चंद, ठीक है, और ये रिलीज़ हुई थी 1913 में, 1913 में रिलीज़ हुई थी। लेकिन ये जो शॉट की बात करें, ये शॉट हुआ था 1896 में, तो 1896 में शॉट हुआ था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और ये रिलीज हुई थी 1913 में फुल लेंथ, और
ये भी क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टॉकेटिव मूवी, इंडिया की फर्स्ट टॉकेटिव यानी कि बोलती हुई मूवी कौन सी थी, तो उसका नाम था आलम आरा, उसका नाम था आलम आरा, और ये कब हुई थी, जस्ट इसके ऑपोजिट 1931 में। अभी हमने पढ़ा कि 1931 में और क्या हुआ था, 1931 में सेकेंड राउंड टेबल हुई थी और गांधी इरविन हुआ था। तो इस तरह से थोड़ा ईयर को रिलेट करके पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1913 में पूरी मूवी रिलीज़ हुई थी हरिश्चंद्र, और 1931 में हमारी बोलती हुई मूवी, फर्स्ट बोलती हुई मूवी रिलीज़ हुई थी आलम आरा, जिसका नाम था। तो हमारा राइट आंसर इज ए हो जाएगा, 1896, क्योंकि ये शॉर्ट 1896 में लिया गया है। अब हमारा क्वेश्चन है, विच फेमस लीडर वंस सेड वी वुड नॉट हैव मेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इफ वी हैड नॉट इंटरवेंट ऑन वेरी पर्सनल मैटर्स, हाउ यू लिव द नॉइस यू मेक हाउ यू स्पिट। देखिए ये क्या हुआ था कि जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो जैसे मान ली 2007 ये चल रहा है 21, तो इसमें जिन फेमस पर्सनालिटी की डेथ हुई है, तो या फिर कुछ बहुत फेमस काम क्या है, फिलहाल तो हम डेथ की बात करते हैं, जिनकी डेथ हुई है, तो वो क्यों पढ़े जाते हैं, वो इसलिए पढ़े जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट बोले हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, तो वो पूछे जाते हैं अक्सर पेपर में। तो इसी तरह जब ये पेपर हो रहा था 2014, तो डेथ हो गई थी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे ली क्वान यू, ये इसका राइट आंसर है, और इनका ये स्टेटमेंट था, तो इसलिए पूछा गया है, करंट का ये क्वेश्चन है उस टाइम का। तो इस तरह से जो डेथ होते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर इज डी। हु ब्रॉट द प्रिंटिंग प्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडिया इन द मिड 16th सेंचुरी। देखिए प्रिंटिंग प्रेस, ये क्वेश्चन ये है क्लास 10th में, डिटेल में है थोड़ा सा। तो प्रिंटिंग प्रेस ये फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आई, मिड 16th सेंचुरी कौन लाया था, तो पोर्टुगीज मिशनरीज के थ्रू आई थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा हायरार्की है, तो इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिए मिड 16th सेंचुरी में कौन लाया था प्रिंटिंग प्रेस, पोर्टुगीज मिशनरीज। बहुत ब्रिटिशर्स तो बहुत बाद में लाए थे, क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस मशीन तो ले आए थे लेकिन छपाई नहीं हुई थी, उसको प्रिंट करना स्टार्ट नहीं किया था। तो हमारा राइट आंसर इज सी। तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। तो अगर इससे पहले वाला, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो उसमें 2017 का पेपर डिस्कस किया है। फिर से बता रहे हैं, हम इसमें सिर्फ जीएस और जीके का सेक्शन ले रहे हैं, क्वेश्चंस ले रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर थोड़ा सा करने के बाद, इसको फिनिश करने के बाद हम लोग इससे पूरा निकालेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो उसकी सीरीज़ बाद में स्टार्ट करेंगे। उसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करके अच्छे से एक टॉपिक, एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।